हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 15th of June 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द न्यू ड्राफ्ट इन नेशनल पॉलिसी ऑन अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लोगों को इन्वाइट किया गया था टू टेक फीडबैक फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी, ऑब्वियसली फॉर PWD। ओके, तो यहाँ पे जितने भी डिसेबिलिटी पर्सनस हैं उनके प्रिजर्वेशन, उनके ओके हाँ प्रोटेक्शन के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनका हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को अच्छा करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को लॉन्च किया गया था। क्या है ये वो चीज़? न्यू नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, लाइक यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना चाहिए बिकॉज दे आर डिफरेंट, मतलब हम जो लोगों जैसे हैं लेकिन बाय नेचर दे आर लाइक नॉट केपेबल ऑफ डूइंग मच, बट स्टिल वी कैन डू मैनी थिंग फॉर देम। ओके, साथ ही मैं यहाँ पे लाइक जो ये पर्सन जो डिसेबिलिटीज इनके पास आती है वो किन किन कारणों से आती हैं, तो माल न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज हियर। साथ में मेडिकल नेग्लिजेंस एंड सोशल कल्चर फैक्टर भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है इनके डिसेबिलिटीज़ को लाइक जगह, मतलब जो भी वहाँ पे लेके आप बॉडी में शो करने के लिए, क्योंकि मेन यही प्रॉब्लम रहते हैं, तो इनके ऊपर भी काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट रैंक द हाइएस्ट इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट एज पर NESDA रिपोर्ट। तो राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज बी, विच इज़ केरला। ओके, तो केरला यहाँ पे स्टेट्स में से है और यूटी में से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एंड जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, यहाँ पे जो स्टेट है इन्होंने 90% का जो लाइक जो इन पैरामीटर्स होता है उसमें इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट हैं, जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब दे आर द लीडिंग स्टेट्स। वाई? बिकॉज दे हैव कम्प्लीटेड 75% ऑफ द पैरामीटर्स, जो भी इसके मतलब पैरामीटर्स हैं लाइक फाइनेंस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस, यूटिलिटी साइंस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिज्म सेक्टर। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जिसने भी काम किया है अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे टॉप की पोजीशन मिलती है। और ई गवर्नेंस मतलब कि सिंपल होता है लाइक डिजिटल गवर्नेंस। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी बात किया गया, केरला यहाँ पे टॉप पे आ जा रखिएगा और साथ में यूटी में यहाँ पे J&K है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट स्लैश यूटी इज द वेन्यू ऑफ मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन 2022। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी, विच इज दमन एंड दीव। बेसिकली ओनली दीव में यहाँ पे हुआ था, 25th मीटिंग आप इसको कह सकते हो, 25th मीटिंग एट दीव यहाँ पे किया गया था। एंड यहाँ पे बेसिकली दे आर डिस्कसिंग ऑन टोटल 36 डिफरेंट इश्यूज। ओके, यहाँ पे 36 अलग अलग इश्यूज के ऊपर काम किया, मतलब बात बात होता है एंड देन जो रिपोर्ट आती है उसको सबमिट किया जाता है और फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से काम किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये 2 सालों के बाद हो रहा है, आफ्टर 2 ईयर्स दिस मीटिंग इज हैपनिंग, लाइक ऑल क्रेडिट गोज टू COVID-19। ओके, साथ ही में ये तो आपको एक वेस्टर्न जोनल है, इसके अंदर कुछ स्टेट्स आएंगी, इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ जोन है, सेंट्रल जोन है, ईस्ट जोन है एंड साउथ जोन है, यानी कि टोटल मिला जुला के यहाँ पे 5 डिफरेंट जोन है एंड उसके ऊपर यहाँ पे लाइक 5 अलग अलग जोन है और उनमें ही सारी स्टेट्स जो है हमारी आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिक्वायर दैट अ वार्निंग टू बी प्रिंटेड ऑन एवरी सिगरेट। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज सी, विच इज़ कैनेडा। तो कैनेडा ने यहाँ पे एक नया लाइक पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि लाइक ये फर्स्ट कंट्री यहाँ पे बन चुका है कौन, कनाडा, जिसने पर्टिकुलरली जितने भी सिगरेट्स हैं यहाँ पे उन सब के ऊपर ही वार्निंग साइन या फिर लाइक टोबैको किल्स ह्यूमन इस तरीके से कुछ वहाँ पे डाल दिया है और काफ़ी सही तरीके से किया है। साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई ग्राफिक फोटो वार्निंग भी हमने यहाँ पे किया है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। एवरी वन नोज कि लाइक जो टोबैको यहाँ पे यूज़ होता है वो काफ़ी मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होता है और फॉर ह्यूमन तो डेफिनेटली। ओके, रीज़न इज़ दैट यहाँ पे हर साल 5 लाख हेक्टेयर यहाँ पे जो लैंड है वो एक्वायर कर लिया जाता है टू प्रोड्यूस टोबैको। साथ में इसको लाइक अराउंड 2 लाख टन वाटर चाहिए होता है सो दैट कि ग्रो कर सके, और मतलब इसमें बहुत मतलब नुकसान है, फ़ायदा इसमें कुछ नहीं है। अराउंड 8 लाख पीपल, आई थिंक मोर देन 8 लाख पीपल और शायद 8 मिलियन पीपल यहाँ पे हर साल मर जाते हैं जस्ट बिकॉज टू कंज्यूम टोबैको। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिस्की है, साथ ही में यहाँ पे पॉल्यूशन भी होता है, लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ सिगरेट तो उससे भाई सिंपल चीज़ है कि 2 चीज़ें होंगी, एक सॉइल पॉल्यूशन एंड यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, तो डेफिनेटली बात है। और अगर आप जो लास्ट में जो फिल्टर बचता है अगर आप उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हो तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों से बचना है हमें और इन सब चीज़ों को हटाने के लिए कनाडा ने भाई बोला है, भाई किया है यहाँ पे काम कि पर्टिकुलरली हर सिगरेट पे यहाँ पे वार्निंग साइन लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज बीन वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए, विच इज 13th ऑफ जून। ओके,
तो यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस किस चीज़ के ऊपर फैलाया जाएगा, विंड एनर्जी एंड देयर वेरियस यूज ऑफ विंड एनर्जी के ऊपर सिंपल चीज़ किया गया। ओके 2007 से इसको हम लोग रिकोगनाइज़ कर रहे हैं, और भाई यही बताया जा रहा है कि आप विंड एनर्जी को मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो ये किसके बाद, और उससे मतलब एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और उसको हम बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। ओके इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ऑर्गेनाइज बाय विंड यूरोप, WIND यूरोप। ओके विंड यूरोप करता है, एंड एक यहाँ पर और है GWEC, ये क्या बवाल है, तो ये है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो दोनों यहाँ पे मिलके इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। ओके एंड साथ ही में अकॉर्डिंग टू IRENA, ये क्या है, इट्स इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये सिंपली यही मतलब बताता है रिपोर्ट में कि अभी अगर सबसे फास्टेस्ट अगर कोई ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी है तो वो एक विंड एनर्जी है, लाइक सोलर से भी ज़्यादा हम लोग अभी विंड पर डिपेंड करते हैं। एंड लाइक यहाँ पे बोला गया है लाइक इंडिया के द्वारा कि भाई आने वाले टाइम में लाइक 2021 से 25 के बीच में ही हम 20 गीगावाट का हम यहाँ पे विंड एनर्जी को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही में इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है, अपना कंट्री जो है फोर्थ नंबर पे आता है लाइक विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ओके तो काफ़ी ये भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज़ इंटरनेशनल एल्बिनीज डे अवेयरनेस डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, राइट आंसर ऑफ सिक्स इज ए विच इज 13th of June। ओके तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होता है, तो ये एक रेयर जेनेटिकल हेल्थ कंडीशन होता है जिसमें लाइक स्किन और हेयर और आइज के ऊपर कुछ पिगमेंटेशंस आ जाती हैं, तो उसके कारण ही तो लाइक वो पूरी जो उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वहीं पे भाई बताने के लिए कि जो ये एल्बिनिज्म है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइक हेल्थ कंडीशन है, और इसके ऊपर जो लाइक लोग बोलते हैं ना कि भाई उनसे दूर रहा करो, दे आर नॉट सेफ, तुम्हें भी हो जाएगा सेम बीमारी, इस तरीके से जो है वहाँ पे बोला गया था। यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे बोला गया कि आप ऐसा कुछ भी मत करिए, अदरवाइज जो लोग उनको बोल रहे हैं कि लाइक यू कैन डू इट, लाइक आप कर सकते हो अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते हो, ये सब जो भी यहाँ पे डिसीज है ये रोकने वाली चीज़ नहीं है, और अगर आप उसके ऊपर बोल दोगे कि भाई उनसे दूर रहो तो फिर उनका जो पूरा मनोबल होता है वो टूट जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं भी करना है। और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी बात है। ओके साथ ही में यहाँ पे इंडिया में तो अजीब ही चीज़ें लाइक किसी को भी अगर कोई भी अगर उसको डिसेबल होगा या फिर चैलेंज होगा तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, दैट इज़ नॉट गुड यार, मतलब ये गलत बहुत ज़्यादा। ओके आपको उन्हें प्रेस करना चाहिए कि लाइक लाइफ है, सबको अपनी अपनी चैलेंजेस मिले, आपको अपने मिले, एंड एवरीवन हैव टू फाइट विद देयर ओन चैलेंजेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री फर्स्ट प्रेजिडेंट लियोंडी करवुचुक हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, राइट आंसर ऑफ 7th इज बी विच इज यूक्रेन। ओके तो यहाँ पे यूक्रेन, ये पहली बात ये करेंगे कि ये 88 ईयर्स के थे। ओके ये यूक्रेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और 1993 मतलब इस टाइम पे इन्होंने यूक्रेन का जो पूरा भार वार संभाल लिया था ऑलमोस्ट, एंड इसी के टाइम पे इनको विल वुल्फ बोला गया, बिली फॉक्स, सॉरी नॉट वुल्फ, इट्स बिली फॉक्स। ओके एंड 1991 में ही यहाँ पे आपको बता दूँ कि USSR जो था वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, और उसी के मतलब डिसइंटीग्रेट होने से 15 डिफरेंट नेशन क्रिएट हुए थे जिसमें से अभी एक यूक्रेन है, और रशिया भी उसी में से लाइक उसी 15 में से आए हुए हैं। आपको अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज रशिया और यूक्रेन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके लिए, अगर नहीं चल रहा था नो वन गिव्स अ शिट अबाउट इट कि भाई फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, फर्स्ट फिर अपना पूछा जाता है दूसरे का नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री कीपिंग द कल्टीवेशन हेम्प वुड नॉट बी कंसीडर अ क्राइम, राइट आंसर ऑफ 8 इज सी विच इज थाईलैंड। तो ये बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल पर्पस और मेडिसिनल यूज से इस चीज़ को यहाँ पे यूज मतलब इसको ग्रो किया जाता है, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है अर्थ के ऊपर, कौन सा, हेम्प, आप इसके बारे में डेफिनेटली सर्च करिएगा। साथ ही में इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे कमर्शियल आइटम्स में लाइक पेपर, रोप, टेक्सटाइल, क्लोथ, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और एनिमल फीडिंग। ओके इन सब जगहों पे इसका यूज़ होता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से लाइक इसको मतलब आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जो मैंने यहाँ पे बताया आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो कि हमारा जो पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्लीन रखेगा। ओके तो काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे है, और इसको थाईलैंड ने किया है। ओके ये भी याद रखिएगा, कभी कभी लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ कॉन्फर्ड ऑनररी डॉक्टरेट ऑन रतन टाटा, तो राइट आंसर ऑफ 9th इज डी विच इज महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं भगत सिंह, उन्होंने रतन टाटा जी और साथ में उनकी कंपनी यानी कि टाटा ग्रुप और टाटा फैमिली को यहाँ पे इस पर्टिकुलर डॉक्टरेट मतलब ऑनररी डॉक्टरेट से नवाजा गया है। ओके तो सिंपल चीज़ ये है कि भाई जो हमारे रतन टाटा या फिर जो उनकी फैमिली या फिर जो उनका ग्रुप है जो कंपनी है उनको भाई सिंपल मतलब कि क्या ही बोल सकते हैं, पूरे इंडिया को अगर डेवलप करने में अगर हम बात करें लाइक एक प्राइवेट कंपनी तो वो रतन टाटा जी के हिसाब से मतलब होता है। लाइक ये मैं नहीं कह रहा कि लाइक उनके वजह से हो रहा है, सिंपल चीज़ है कि उनका बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, लाइक फिलोसफी ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, हर स्टेट में उन्होंने कुछ ना कुछ आप मतलब लोगों के लिए किया हुआ है। और
इंडस्ट्रीज तो इनकी है ही, साथ में फिलानथ्रोपिस्ट भी हैं, अपनी जायदाद को दान कर देना फॉर लोगों के लिए। इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक दे हैव डोनेटेड इन बिलियंस ऑफ डॉलर टू पुअर पीपल, ऑर्फनेज, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को दिया गया। ओके काफ़ी मतलब रिस्पेक्टेबल, मतलब लिटरली रतन टाटा या फिर टाटा शब्द सुनते ही लाइक रिस्पेक्ट ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द बस सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रिज्यूम्ड इट आफ्टर 2 ईयर्स। राइट आंसर ऑफ 10th इज ए, विच इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमारी काफ़ी अच्छी मित्रता है और ये बेसिकली कहेंगे तो क्रॉस बॉर्डर बस सर्विस है, ओके, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके एंड ये लाइक अभी 2 साल से क्यों बंद था, बिकॉज ऑल क्रेडिट गोज टू, समझ जाओ ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड ये अभी 2 साल से सस्पेंड किया हुआ था। एंड यहाँ पे कुछ 2 बसेस चलती हैं, एक है बंधन एक्सप्रेस और दूसरा है मैत्री एक्सप्रेस। इन दोनों बसेस के नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो 5 दिन चलते हैं हफ्ते में और बंधन एक्सप्रेस जो है वो 2 दिन चलता है। कहाँ से कहाँ तक, लाइक ये जो मैत्री एक्सप्रेस है ये कोलकाता से लेकर के ढाका तक चलता है, और ये भी जो है वो कोलकाता से लेकर कहीं लाइक मुझे पर्टिकुलर ना उस जगह का नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप इसको सर्च करिएगा कि भाई बंधन एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ चलता है, कोलकाता से सम कुछ जो है कुछ पर्टिकुलर जगह उसका नाम के से शुरू होता है, तो वहाँ तक चलता है। ओके याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे एक मिताली एक्सप्रेस है, मिताली एक्सप्रेस, पर ये ट्रेन है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। ओके तो ये भी आप लोग को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर विथ गो डिजिट। तो राइट आंसर ऑफ 11th इज बी, विच इज फिनो पेमेंट बैंक। तो बेसिकली जो गो डिजिट यहाँ पे पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, यानी कि मोटर एंड ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करता है इन अ डिजिटल फॉर्म, या फिर हाँ डिजिटल फॉर्म में। ओके याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई अगर लाइक जब इनके साथ सभी पूरा कर लिया तो यहाँ पे बोला गया कि भाई जो भी अब यहाँ पे पॉलिसी होगी वो 1 साल की होगी और 3 लाख से लेकर 15 लाख के तक बीच में हो सकती है। साथ ही में यहाँ पे बोला कि भाई जो भी आप पॉलिसी लेते हो अगर उस चीज़ को लाइक किसी भी चीज़ को इंश्योरेंस करवाते हो और उसमें अगर वो किसी भी चीज़ से लाइक वो डैमेज होता है, लाइक लॉस से डैमेज होता है टू अर्थक्वेक, फायर, लाइटनिंग, स्ट्रॉम, फ्लड, राइड्स, तो इन सब चीज़ों में हम आपको पैसा देंगे ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए किया गया, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए, काफ़ी सही है यहाँ पे। एंड पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे पेपरलेस होने वाला है, पेपरलेस प्रोसेस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली ब्रॉट अ ₹2,060 करोड़ स्टेक इन फ्लिपकार्ट। राइट आंसर ऑफ 12th इज सी, विच इज टेंसेंट। टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है जो पबजी भी बनाता है। ओके अभी तो पता नहीं लेकिन करता था पहले। तो यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर है जिनका नाम बिनी बंसल है, तो ये बनी बंसल जो यहाँ पे हैं ये को फाउंडर हैं और इनके पास टोटल 1.84% का फ्लिपकार्ट में स्टेक था, उसमें से इन्होंने 0.72% सेल आउट कर दिया। किसको, टेंसेंट को यहाँ पे। ओके और ये कितने में बिका, 264 मिलियन रुपीज में करोगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। ओके और ये जो फ्लिपकार्ट है वो सिर्फ इंडिया में अपनी सर्विसेज को डिलीवर करता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ निर्मला सीतारमन रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल कस्टम्स एंड GST म्यूजियम। राइट आंसर ऑफ 13th इज डी, विच इज गोवा। तो गोवा में यहाँ पे धरोहर नाम का एक पर्टिकुलर म्यूजियम बनाने की बात करिए फॉर कस्टम्स एंड GST या फिर फाइनेंस के ऊपर पूरा रहेगा ये। तो यहाँ पे कस्टम्स की हिस्ट्री कैसी थी उसके ऊपर रहेगा, लाइक यहाँ पे 8 गैलरीज हैं उसमें अलग अलग टाइप के लाइक यहाँ पे बनाया हुआ। ओके लाइक उसमें कस्टम्स की हिस्ट्री, GST का एक अलग म्यूजियम वहाँ पे रहेगा, लाइक GST का एक पर्टिकुलर गैलरी रहेगा वहाँ पे, और जितनी भी कस्टम्स जो यहाँ पे एसेट्स को सीज करती हैं उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा, लाइक मे बी गोल्ड हो, सिल्वर हो एंड कोकेन भी हो सकता है, फिर ड्रग्स वगैरह भी हो ही सकते हैं। ओके जितनी भी चीज़ें वहाँ पे सील की होंगी उन सबको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ क्वालिफाइड फॉर फीफा ई नेशनल कप 2022 फॉर फर्स्ट टाइम। राइट आंसर ऑफ 14th इज ए, विच इज इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और अपनी कंट्री के बारे में कहीं जानेंगे। ओके तो ये डेनमार्क में हुआ था। ओके यहाँ पे बेसिकली इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया और साथ में मलेशिया को हराया। ओके और उसके बाद इंडिया इसमें सेलेक्ट हो गया। ये 27 और 30 जून को यहाँ पे आगे होने वाला है फाइनल्स, देखते क्या होता है आगे, लाइक मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है फीफा के बारे में। और अभी यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भी होगा 2022 में, वो भी कतर में, तो आप उसके ऊपर भी देखिएगा क्योंकि उसके भी कुछ फाइनलिस्ट आ चुके हैं। ओके दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स। राइट आंसर ऑफ 15th इज बी, विच इज मैक्स वेरस्टैपेन। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना बस, आगे कुछ नहीं कि भाई उसमें क्या होता है, कितने लोग आए थे, ये सब जाने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बिकम द 74th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑफ 16th इज
इट्स सी विच इज़ राहुल श्रीवास्तव। ओके, तो ये 19 साल के हैं और ये अभी 74th चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। और ये इटली में ये मैच हुआ था। ओके, जो भी जिनके साथ इन्होंने खेला था वो इटली में हुआ था। और अभी जो इंडिया जो है वो 100 ग्रैंड मास्टर मतलब जिनके पास होगा वो कंट्री बनने वाला, लाइक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इस पर्टिकुलर टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, इन सब चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक इंडिया इज़ डूइंग गुड इन एवरी थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड चो सुन हुई एज इट्स फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर। राइट आंसर ऑफ 17th इज इट्स डी विच इज़ नॉर्थ कोरिया। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ से ज़्यादा कॉन्टेंट मिलता नहीं है हमें, और जब मिलता है तो बड़ी बवाली मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द कैंसर रिसर्च सेंटर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 18th इज ए विच इज़ कोची। तो कोची कहाँ पे? केरला में। तो केरला के जो सीएम है उन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया था। कौन है? हमारे पिनायरी विजयन। तो इन्होंने इस चीज़ को किया था। ये किस लिए किया गया? यहाँ पे कैंसर डायग्नोसिस एंड रिसर्च सेंटर के लिए। ओके, ताकि यहाँ पे पूरा रिसर्च वगैरह अच्छे से होते रहे। और ये इंडिया का फर्स्ट ऑनकोलॉजी लैबोरेटरी है विथ कंप्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोसिस सिस्टम या फिर सर्विस। तो ये आप इसके ऊपर और भी चीज़ें यहाँ पे पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें मतलब कोई नहीं, लाइक कैंसर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आराम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। फर्स्ट ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज़ रिसेंटली वॉन बाय आकांक्षा वेहन इन द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। राइट आंसर ऑफ 19th इज बी विच इज सिल्वर। ओके, तो यहाँ पे ये वेट लिफ्टर है और इन्होंने 40 kg के कैटेगरी में उठाया था। इन्होंने लाइक कितना उठाया था? 127 kg। तो अगेन अ प्राउड मोमेंट, सिल्वर यहाँ पे जीता गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और इंसान के द्वारा यहाँ पे सिल्वर को जीता गया। ओके, उनका नाम है विजय प्रजापति। उन्होंने 49 kg कैटेगरी में इस चीज़ को किया और उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। तो ये दो बंदों ने अभी जीता है, ये तो बंदी है। ठीक है, लाइक शी इज़ अ फीमेल। ओके, यहाँ पे साथ ही में यहाँ पे लाइक उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, किसमें? हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, जो कि अच्छी बात है। आप वहाँ के जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका मोटिवेशन आप बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज़ आर सुब्रमण्यम कुमार। ओके, तो इनको 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया, काफ़ी सही है। RBI ने इनका अप्रूवल जो है वो जो इनका जो अपॉइंटमेंट है उसका अप्रूवल दे दिया था बहुत पहले ही। और इससे पहले ये फॉर्मर MD एंड CEO थे किसके? इंडियन ओवरसी बैंक का। तो इनके थे, इनका 40+ ईयर का एक्सपीरियंस है किसमें? बैंकिंग इंडस्ट्री में। और इसके अलावा इनकी जो इन्होंने स्टार्ट किया था PNB से एज अ ऑफिसर, और 1980 में इन्होंने शुरू किया था। सोच लो कि भाई उस टाइम से ये लोग अभी तक काम कर रहे हैं और अभी इनको बनाया गया, काफ़ी सही पोजीशन पे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ LIC के रह चुके हैं। LIC में एक ब्रांच है, पेंशन फंड लिमिटेड, इसके यहाँ पर रह चुके हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, तो काफ़ी सही सही पोजीशन पे रहे हैं, काफ़ी सही है। आपको क्वेश्चन का ये नाम है याद रखना भाई, बैंकिंग में तो बहुत आराम से पूछा जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।